बाबा की प्रत्यक्षता में एडवांस का योगदान किस लेवल पर होगा, बोर्ड लेवल पर होगा कि अपने आप को कैसे वो पब्लिक के बीच में पेटेंट कराएंगे, अप्रूवल कराएंगे इस ज्ञान को। जो अखबार, जो मीडिया, जो रेडियो, जो टेलीविजन अभी हमारी ग्लानी करने के निमित्त बने हैं वो यंत्र में गायन करने के निमित्त बनेंगे। ये कोर्ट कचहरी वाले तो मीडिया से प्रभावित होकर के चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो हमारा नाम बदनाम हो जाए। कोर्ट कचहरी वाले किससे डरते हैं? मीडिया से डरते हैं। योग को प्रैक्टिकल प्रूफ करने के लिए कैसे बता पाएंगे? जैसे मैथमेटिक्स में एक और एक दो होता है, बायोलॉजी में एक और एक तीन होता है, पॉलिटिकल साइंस में एक और एक ग्यारह होता है, फिजिक्स में एक और एक जीरो होता है और स्पिरिचुअल साइंस में एक और एक एक होता है। इस एडवांस ज्ञान को कैसे हम प्रूव कर पाएंगे कि सारी दुनिया माने, सुप्रीम कोर्ट भी माने, साइंस भी माने, वो युक्ति क्या है, कैसे अपने आप को दिखाएंगे? बता दो भैया, जब बाप प्रत्यक्ष होगा तो जो देखेगा, जो सुनेगा उसके मुंह से निकलेगा बाप हमारा आ गया। ये प्रैक्टिकल प्रूफ होगा या बिना प्रैक्टिकल प्रूफ के हो जाएगा? प्रैक्टिकल प्रूफ होगा ऑब्जेक्ट स्टेज। उनको भी दिखाई पड़ेगी ये ऑब्जेक्ट स्टेज हमारी नहीं बन सकती। हमारी वो स्टेज नहीं है जो धर्म पिताओं की स्टेज देखने में आ रही है। क्राइस्ट की स्टेज देखो चेहरे की, महात्मा बुद्ध के चेहरे की स्टेज देखो, गुरु नानक के चेहरे की स्टेज देखो, वो निराकारी स्टेज ही पब्लिक को प्रभावित करती रही और ढेर के ढेर उनके फॉलोअर्स बन गए। ऐसे ही जो बाप के बच्चे हैं उनकी निराकारी स्टेज, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज ही संसार में बाप को प्रत्यक्ष करे। प्रैक्टिकल में योगी होगा तो संसार के ऊपर प्रभाव डालेगा। नेक्स्ट गॉड इज शंकर, नेक्स्ट गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। और एक बाद मुरली बोले आया विष्णु शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे, क्या अंतर बाबा? विष्णु जो है वो किससे लेता है वर्षा? अरे नारायण लक्ष्मी को तो विष्णु ही कहा जाता है, लेकिन वो विष्णु या लक्ष्मी नारायण वर्षा किससे लेते हैं? वो बाप का प्रैक्टिकल रूप है या हवा में है? प्रैक्टिकल रूप बाप का तो शिव शंकर है। तो जो शिव शंकर गीता का भगवान है वो ऊंचा हुआ, देने वाला ऊंचा हुआ या लेने वाला ऊंचा हुआ? देने वाला। अब उसे दुनियावी भाषा में चाहे हम कृष्ण कह दें, चाहे शास्त्रों की भाषा में प्रजापिता कह दें, चाहे उसे नर से नारायण बनने वाला कह दें और चाहे उसे शंकर कह दें,
आज के जो गुरु लोग हैं इनके पीछे कितनी दुनिया है, इन्होंने संतों में क्या पुरुषार्थ किया है? इन्होंने पुरुषार्थ सत्य की शूटिंग में किया है, त्रेता युग की शूटिंग में किया है, द्वापर युग की शूटिंग में किया है, कलयुग के आदि या मध्य की शूटिंग में किया है या कलयुग के अंत की शूटिंग में पुरुषार्थ किया है? तो अभी तो टाइम पड़ा है ना, कलयुग अंत का टाइम आएगा तो ये आत्माएं भी ईश्वर को पहचानेंगी, और जब पहचानेगी तो अपना सारा धन पद मान मर्तबा ईश्वरीय कार्य में उड़ेल देगी। उसकी एवज में उनको उसी शूटिंग पीरियड का जो प्रैक्टिकल टाइम होगा उनको प्राप्ति हो जाएगी, चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे रामकृष्ण हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे रामदेव स्वामी हो। अरे तुम्हारी गांधी जी की नाक तोड़ दी इंदिरा गांधी, ये क्या बात हो गई? जब प्रजातंत्र राज्य तो सारी प्रजा ही प्रजा है ना, प्रधानमंत्री प्रजा नहीं है, ये क्या बात है? प्रजा की कोई वैल्यू होती है क्या? वैल्यू राजा की होती है या प्रजा की होती है? राजा की वैल्यू होती है। आजकल के तथाकथित राजाओं का ये राज्य है, ये हाल है, तो हमारा आपका क्या हाल हो सकता है? झंडे नहीं खा सकते है क्या बात? अमृतवाणी में बताया है फिर भी मिले चढ़ाए हो, अमृतवाणी में बताया फिर भी मिले तो हो, लेकिन आप तो गए हो आए, लेकिन आज तक ये बाप दादा और ब्राह्मण परिवार को देखते हैं। अरे टू लेट का बोर्ड लग गया ना, टू लेट आए तो भले आए लेकिन आ तो गए, तो इसका मतलब हुआ टू लेट का बोर्ड लग गया या नहीं लग गया? कैसे कहें टू लेट का बोर्ड? सन 76 में टू लेट का बोर्ड था या नहीं था? और था तो कितनी आत्माओं के लिए था? एक आत्मा के लिए टू लेट का बोर्ड था। एक युगल के लिए कह दो, उसके बाद त्रिमूर्ति प्रत्यक्ष होती है, तो तीन मूर्तियां जब प्रत्यक्ष हो गई कि ब्राह्मणों की दुनिया में वो तीन मूर्तियां कौन सी है प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली ब्रह्मा विष्णु और शंकर के रूप में, तो तीन मूर्तियों के लिए टू लेट का बोर्ड लग गया। फिर अष्टदेवों की बात आती है, अष्टदेवों में भी चार हैं रुद्रमाला से और चार हैं विजयमाला से, चार सूर्यवंशी और चार चंद्रवंशी, तो जरूर सूर्यवंशी चार जो है उनके चेहरे वेहरे प्रत्यक्ष हो गए। इसलिए बोला बड़े टू लेन का बोर्ड लगने के बाद आए, पहले पहले दो के लिए टू लेट का बोर्ड, फिर तीन के लिए टू लेट का बोर्ड, चार के लिए टू लेट का बोर्ड। नौ लाख को शरीर होता है जो बैठेंगे, अरे 9 लाख को शरीर होता है जो बैठेंगे, बाप बैठ समझाते हैं, आत्मा के लिए कहेंगे खड़ी है बैठी है सोती है उड़ती है, आत्मा के लिए तो नहीं कहेंगे। आत्मा जब शरीर धारण करे तब कहेंगे, तो 4.5 लाख को अपना शरीर होता है
या 9 लाख को अपना शरीर होता है, 4.5 लाख को शरीर होगा। वो 4.5 लाख बीज रूप आत्मा है, वो ही तपस्या अंत तक करेंगे। हमें पहले पता था कि अस्तित्व जो है सुमन की है, हमें पहले पता था कि अस्तित्व सारे सुमन की है, सूर्यवंशी होंगे अष्टदेव। अष्टदेव जो है वो सभी धर्मों में से श्रेष्ठ आत्माएं निकलती है, सभी धर्मों के पूर्वज आत्माएं होती है, या कोई एक दो धर्म के पूर्वज होते, हर धर्म पहले पहले सतो प्रधान होगा या पहले ही तमो प्रधान होगा। तो हर धर्म की पहली जो आत्मा होगी वो उस धर्म की पूर्वज आत्मा होगी ना, और पूर्वज आत्मा होगी तो सतो प्रधान होगी या रजो या तमो प्रधान होगी, तो प्रधान होगी। इसलिए 8 धर्म है जो भगवान से प्राप्ति करते हैं नंबर वार, और 8ों में श्रेष्ठ आत्माएं हैं। 8ों धर्म के कोई बीज हैं जो सृष्टि के आदि से ही मौजूद हैं, तो वो अष्टदेव हैं। उन अष्टदेव में भी 4 मुख्य हैं, देवता धर्म का बीज, ये चंद्रवंश का बीज, जैसे सूर्यवंश का बीज है वैसे चंद्रवंश का भी बीज है, ये इसके बाद कौन है मुख्य है, इस्लामी है, बौद्धी है, क्रिश्चियन है, ये नंबर 12-8 जाते हैं। ये 8 रोज है बाबा, और बेसिक दोनों की शिविर उनके सहयोगी है वहां चंद्रवंश में। 8 देव हैं चंद्र सूर्यवंशी, और उनके सहयोगी हैं चंद्रवंशी। सोलह हो जाते हैं माने 8 युगल हो जाते हैं। विजयमाला युगलों की है, ये सिंगल की है, युगलों की रुद्रमाला के मण के बाद में विजयमाला में ऐड किए जाते हैं। अभी 4 की बात है, सूर्यवंशियों में 2 प्रत्यक्ष रूप में बोल दिए, कौन कौन अव्यक्तवाणी के हिसाब से क्लियर हो जाते हैं, कौन कौन 2 क्लियर हो गए। एक तो सूर्यवंश की बीज रूप आत्मा रुद्रमाला में, और दूसरी चंद्रवंश की बीज रूप आत्मा कौन से है, योगिनी काशी नगरी। तो 2 क्लियर हो गई तो सूर्यवंश के साथ विजयमाला में से 2 क्लियर हो जाना कोई बड़ी बात है क्या। और चंद्रवंशी भी क्लियर हो जाते हैं, छोटी मां तो सन 76 से ही क्लियर है। उसकी विशेष सहयोगिनी की शक्ति कौन है वो भी क्लियर है,
सूर्यवंशियों से कनेक्शन हो जाने के हिसाब से चंद्रवंशी सूर्यवंशी बनते हैं या चंद्रवंशी सूर्यवंशी बन जाते हैं? बिना कनेक्शन हुए कनेक्शन तो यहाँ तो कनेक्शन की बात है। सूर्यवंशियों के साथ कनेक्शन चाहिए। जैसे कन्या होती है शादी के बाद उसके अपने बाप का कुल बदल जाता है। किसका कुल कहा जाता है? जो पति का कुल वो कन्या का कुल। भगवान का अर्थ क्या है? भगवान भाग्य। किसी के घर में कन्या पैदा होती है तो ये कहता है हम दुर्भाग्यशाली हो गए। कन्या अपना भाग्य लेकर आती है या नहीं आती है? भाग्य लेकर के आती है। तो कन्या ही भाग्यशाली है। दुनिया में समझते हैं जिसके पास कन्या ज्यादा पैदा होती है वो दुर्भाग्यशाली हो गया। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? जिसके पास ढेर की ढेर कन्याएं हैं घर में वो बहुत भाग्यशाली है। बगैर ही भाग्य है। जैसे धनवान कहा जाता है वैसे ही भगवान कहा जाता है। प्योरिटी की बात है तो नंबर वन प्योर भी है तो इम्प्योर भी है। लेकिन कन्या नाम जहां कहा जाता है वहां पवित्रता की बात है या अपवित्रता की बात है? पवित्रता की बात। दुनिया के सारे काम कौन सी पावर से होते हैं? प्योरिटी की पावर से होते हैं। तो बाप के पास वो प्योरिटी की पावर सबसे जास्ती होती है। आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल जब आते हैं तो जिस मुकर्रर रथ में आते हैं उसके लिए भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली की बात है। कोई बिंदु भाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली नहीं कहा जाता। सुप्रीम सोल को भाग्यशाली दुर्भाग्यशाली कहेंगे हैं? नहीं कहेंगे। वो तो ना भाग्यशाली बनता है और ना दुर्भाग्यशाली बनता है। ब्रह्मा जी और शंकर जी को बैठा हुआ दिखाया है और विष्णु जी को खड़ा हुआ दिखाया है। इसका मतलब क्या है? कोई से प्रश्न पूछा जाए अब वो खड़े होंगे जवाब देना लगे। तो जो जवाब सही बताएगा उसको सब कोई देखेगा या जवाब दे ही नहीं पाए जवाब देने में ही फेल हो जाए उसको सब देखेंगे। किसको देखेंगे? जो सही जवाब देगा उसको सब देखेंगे।
मुक्ति के चित्र में भी ऐसे ही है। ईश्वरीय ज्ञान का जो प्रैक्टिकल जवाब देने वाली मूर्ति है, प्रैक्टिकल करके दिखाने वाली मूर्ति है, वो खड़ी हुई है पुरुषार्थ में। और बाकी दो के लिए बैठे रहो, तुम बोल बोल बहुत करते हो, बैठ जाओ। प्रैक्टिकल में करने वाले नहीं हो, तुम्हारा सुनने सुनाने का स्वभाव बहुत है, समझते कुछ भी नहीं, बैठ जाओ। तो सुनने सुनाने के अभ्यास वाले कौन है, कौन सी मूर्ति है? ब्रह्मा की मूर्ति। और बोलने के स्वभाव वाले शंकर की मूर्ति। बोलते बहुत हैं, प्रैक्टिकल स्वर्ग स्थापन करके नहीं दिखाते, ओ माताओं का काम है। उन दोनों का बैठ लो, बैठ लो। तो विष्णु को खड़ा हुआ दिखाया है पुरुषार्थ में, और ब्रह्मा और शंकर को बैठा हुआ दिखाया। बाबा जो सेवादारी भाई बहने रात को 10-11 बजे तक व्यर्थ बातें करते रहते हैं, मस्ती मारते रहते हैं, उनका क्या हिसाब बनता है? और 10-11 बजे तक जो जगेगा वो अमृत वेला जल्दी उठेगा या देर से उठेगा? देर से उठेगा अमृत वेला। बेकार अमृत वेला जिसने अच्छा किया उसका भाग्य ऊंचा बनेगा, फाउंडेशन ही अच्छा हो गया। वो दुर्भाग्यशाली है जो रात के 11 बजे तक जागते रहते हैं और व्यर्थ बातें करते रहते हैं, रात में भी वही व्यर्थ के स्वप्न आते रहेंगे या खराब स्वप्न आते रहेंगे। अमृत वेले उठेंगे तो आत्म की स्थिति बनेगी ही नहीं। जब आत्म की स्थिति ही नहीं बनेगी तो बाबा की याद आएगी नहीं। वो दुर्भाग्यशाली आत्माएं बन रही है जो रात के 10-11 बजे तक बातें करते रहते हैं। नहीं तो बाबा का कहना है 8-8:30 बजे तक सो जाना चाहिए, हद से हद 9 बजे, बस 9 से लेकर के रात के 12 बजे तक वायुमंडल दुनिया का बहुत खराब रहता है, भूत प्रेतों की दुनिया है, उसमें गहरी नींद सो जाना ही अच्छा है। हम जागते रहेंगे तो उनके संगी साथी बन जाएंगे निशाचरों के। बाबा बारामूला ट्रायंगल का बेहद में अर्थ क्या है? वो कोई बातें बार बार पूछते हैं, कई बार क्लियर करते हैं। बड़ा माने बड़ा, मूला माने जड़, ट्रायंगल माने ट्रायंगल, ट्रायंगल झाड़ के चित्र में जड़ें दिखाई गई है, कितनी जड़ें हैं? 10 जड़े हैं। 8 जड़े तो देखने में आती है और बीच वाली 2 जड़े
देखने में नहीं आती। उन दो जड़ों में भी बड़ी जड़ कौन है? अरे दो जड़ें जो दिखाई गई हैं, उन दो जड़ों पर बैठी हुई आत्माएं कौन दिखाई गई? ब्रह्मा सरस्वती। तो ब्रह्मा हो गई बड़ी जड़, सरस्वती भी जड़ है। तो ब्रह्मा बड़ी जड़ है, सब धर्मों की जड़ों के बीच में बड़ी से बड़ी जड़ है ब्रह्मा। दूसरे धर्मों में भी आज फरिश्ते दिखाए गए, उन्हें तो बड़ा फरिश्ता है, उसकी बहुत मान्यता है। फरिश्ते हैं वो भी भूत प्रेत होते हैं, उनको अपना शरीर नहीं होता है। बड़ी पावर वाले होते हैं, स्थूल शरीरधारियों में ज्यादा पावर होती है या सूक्ष्म शरीरधारियों में ज्यादा पावर होती है? सूक्ष्म शरीरधारियों में बहुत पावर होती है। तो बड़ी से बड़ी पावर वाला है ब्रह्मा। वो ब्रह्मा की सोल अपने पूरे परिवार के साथ जहां अड्डा जमा के बैठी हुई है, वो खाड़ी का नाम है मैक्सिको। मैं किसको? जैसे अमेरिका का अर्थ बताया व्यक्तवाणी में, मेरे का आ जाओ, मेरे हो क्या? इसका मतलब मेरे नहीं हो। ऐसे ही मैं किसको, मैंने मैं किसी का नहीं हूं। जो सच्चाई के रास्ते पर चलेगा, जो शिव बाबा की श्रीमत मानेगा, मैं उसी का हूं, नहीं तो मैं किसी का नहीं हूं। वो धर्मराज का पार्ट है, देवी गुणों की सबसे जास्ती धारणा करने वाली आत्मा कौन है? ब्रह्मा की सोल। वो मैक्सिको की खाड़ी में भूत प्रेतों का अड्डा है, बहुत पावरफुल आत्माओं का। वो तो हद की मैक्सिको की खाड़ी है। यहां ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद का बड़ा पूरा ट्रेंगल भी है मैक्सिको की खाड़ी में। सुबेद के स्थान का नाम क्या है? वहां जो जाते हैं वो तो डूब के रह जाते हैं, वो तो पुरानी दुनिया में वापस नहीं आते। चाहे बड़े से बड़े पानी के जहाज क्यों न हो, हवाई जहाज क्यों न हो, पनडुब्बियां क्यों न हो, कोई भी हो, लोप हो जाते हैं, इस दुनिया से गायब हो जाते हैं, नई दुनिया में चले जाते हैं। तो बड़मूरा ट्रेंगल से गुजर करके ये सारे के सारे बैठे हुए हैं। आए कहां से? आए कहां से गुजर के आए? बड़मूरा ट्रेंगल से गुजर के आए हैं। कहां है वो बड़मूरा ट्रेंगल?
माउंट आबू यहाँ सारे बैठे हुए माउंट आबू होके आए हैं, नहीं आए हैं तो वाह माउंट आबू कैसे हुआ, क्या हुआ है? कंपिल नहीं, कंपिल का नाम मुरली में नहीं बोला, फर्क का बात, ये बड़ा मूला ट्रायंगल है। पुरानी दुनिया भुलाए देता है, खत्म। सतयुग में पांच तत्व की देह रहेगी या नहीं रहेगी? पांच तत्वों की देह तो रहेगी, क्योंकि पांच तत्व भी अविनाशी है। जैसे आत्मा अविनाशी है, वैसे पांच तत्व भी अविनाशी है। हाँ, जैसे आत्मा सतयुग में सतोपदान होती है, तो पांच तत्व भी सतोपदान होंगे। पांच तत्वों से सतोपदान से बनी हुई सात्विक देह वहां मिलेगी, तामसी देह नहीं मिलेगी, बीमार बीमार दुखी रोगी चोला नहीं मिलेगा। भक्ति मार्ग में कहते हैं कि पार्वती ने अपने शरीर के मैल से गणेश को बनाया, तो बाबा इसका बेहद में अर्थ क्या है? मैल को क्या कहते हैं? मल। जैसे मुसलमानों में नाम रखते हैं बसर मल, मल माने गंध, मैल नाम दे दो। पार्वती को या शंकर को कितने बच्चे थे? दो बच्चे थे खास। बड़े बच्चे का नाम क्या था? कार्तिकेय। कितने मुख वाला था? छह मुख वाला था, षणमुख। कितने धर्म है? जो विशेष प्राप्ति करने वाले हैं आस्तिक धर्म है, भगवान को मानने वाले हैं। विधर्मियों के बीच में इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सन्यासी और सिख, इन छह धर्मों की बातों को बोलने वाला, मानने वाला, बताने वाला वो षणमुख नाम दे दिया है। छह मुख वाला कार्तिकेय, वो धर्म का प्रचार प्रसार उत्तर भारत में करता है या दक्षिण भारत में करता है? दक्षिण भारत में करता है। नाम दे दिया सुब्रह्मण्यम स्वामी। भारत का विदेश दक्षिण भारत कहा गया। ये विदेशी, ये विधर्मी, ये दक्षिण भारत जम्बू द्वीप की यादगार नहीं है, ये देवताओं का रहने का स्थान नहीं है,
विदेशी आत्माओं के रहने का स्थान हो गया। तो जैसे राम और रामायण के लिए दिखाया गया है, राम को दो बच्चे थे, क्या नाम दिया? लव और कुश। लव माना प्यार करने वाला, प्यार करने में कौन सा धर्म आगे है? अरे देहधारी जितने भी धर्म हैं, जो भी विदेशी हैं, विदर्भी हैं, उनमें प्यार करने में आगे कौन है? नहीं, क्रोधी है महा इस्लामी, उनका बीज है लव और जो कांटा लगाने वाला है वो है कुश। उसका नाम दे दिया है कुश, कुश माने कांटा। ऐसे ही शास्त्र में शंकर के पार्वती के दो बच्चे दिखाए हैं, एक कार्तिकेय बड़ा बच्चा। सब विदेशी धर्मों का बीज कौन सा धर्म है? इस्लाम धर्म। तो जरूर इस्लाम धर्म के बीज है वो कार्तिकेय जिसे कहा गया है। दूसरे बच्चे का नाम गणेश। जो भी देवगण है और देवगणों में विशेष मान्यता प्राप्त है, ये कैसे हो गया? विदर्भियों में होते हुए भी, विदेशियों में होते हुए भी विशेष मान्यता प्राप्त हो गया। भारत में दशावतार माने जाते हैं भगवान के, 24 अवतार माने जाते हैं, उनमें एक विदर्भी अवतार का भी नाम है महात्मा बुद्ध। ज्ञानी कहे या अज्ञानी कहे, महात्मा बुद्ध को ज्ञानी कहा जाए या अज्ञानी कहा जाए? ज्ञानी कहेंगे, क्योंकि ऐसा ज्ञान सुनाया जो कर्म अकर्म विकर्म की गति भगवान के मुआफिक सुनाई देता है, लेकिन नास्तिकवाद घुसा पड़ा है। प्रवृत्ति मार्ग के धर्म नहीं है। कार्तिकेय ने भी प्रवृत्ति मार्ग नहीं निभाया, गणेश ने भी अपने बाप का घर, माता का घर छोड़ दिया, अलग लोग बसाया जाकर के। पारिवारिक व्यवस्था टूट गई, ये बौद्ध भी कांटा बन गए भारत के लिए, क्योंकि विदेशियों का आश्रय ले लिया, विदेशियों के प्रभाव में आ जाते हैं। देह अभिमानी तो है ही, इसलिए हाथी का रूप दिखाया है। और मस्तक बड़ा दिखाया है गणेश का, क्यों? बुद्धि बड़ी है, ऐसी विशाल बुद्धि है कि जिस बुद्धि से जो ज्ञान निकला वो ज्ञान ऐसा वंडरफुल ज्ञान सुनाया जिसमें न स्वर्ग का, न आत्मा का, न परमात्मा का विश्लेषण किया गया। फिर भी ज्ञान के सिद्धांत बड़े अच्छे हैं।
धर्म के सिद्धांत बड़े अच्छे हैं, किसी को दुख देने वाले सिद्धांत नहीं है। फिर भी परमात्मा को न मानने के कारण, आत्मा को न मानने के कारण जो सत्य रिलीजन है स्वधर्म, उससे महफूज हो जाते। स्वधर्मे न धर्म से परधर्मो भयावह, स्वधर्म की ताकत न होने के कारण, रिलीजन इज माइट न होने के कारण वो बौद्ध धर्म कमजोर पड़ गया। इस दुनिया में 500 वर्ष भी उनकी राजाई नहीं चल सकी। और धर्मों के, इस्लामियों के और क्रिश्चियंस के प्रभाव में आ गए। विदेशों से भीख मांगने लग पड़े। विनिरूप आत्मा को गणेश के रूप में दिखा दिए। ज्ञान बहुत सुनते हैं, सुनाते हैं, इसलिए कान बड़े लंबे चौड़े दिखाए। मुख में से देह अहंकार बरसता रहता है, चेहरा एकदम भरा पूरा गोरा चिट्ठा चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन नास्तिकता का बीज भरा हुआ है। नास्तिकता की बीज की बोना का शुरुआत ही वहां से होती है। धर्म में पहले प्रवृत्ति मार्ग था, बाद में जब बौद्ध स्तूप बनने लगे और उनमें स्त्री और पुरुष इकट्ठे रहने लगे तो बौद्धियों में व्यभिचार फैल गया और उनकी शक्ति छीण हो गई। ये हुआ गंद। देखने में बड़े साफ सुथरे वस्त्रों वाले दिखाई पड़ते हैं, लेकिन नास्तिकता का गंद भरा हुआ है। जो बाप को जानता है वो आस्तिक, क्या गणेश बाप को जानता था? जानता था? नहीं जानता था। नहीं जानता था तो बाप से भी टक्कर ली बैठा। ऐसे बौद्धी भी भगवान बाप क्या चीज है वो नहीं जानते। जैसे सिख लोग कह देते हैं सदगुरु भगवान का रूप गुरु नानक मुगालते में पड़े हुए, ऐसे ही बहुत ही लोग समझते हैं भगवान बुद्ध है तो वही है भगवान। हवेली रोज सुनते हो कि नहीं सुनते हो? नादेन का पहले आप बताओ, पूरा नाम बताओ। अच्छा, ओसामा बिन लादेन का पूरा अर्थ बताओ। अर्थ वर्थ कुछ नहीं, हमें तो पूछ रहे से मतलब। एक ही
बात को बार बार पूछना, ऐसे अपना मुखौटा सबके सामने क्लियर कर देना कि हम उन्हें सुनते ही नहीं, हम क्लास करते ही नहीं, हमें बाबा की वाणी से कुछ नहीं लेना देना। बाबा तो बताएंगे ये पूछा गया है तो। ओ सामा बिन लादेन का मतलब ही है ओ शाम आ गई। अब ज्ञान सूरी छिपने वाला है, शाम आ गई। बिन लादेन बिना लाए दिए नहीं छोड़ूंगा, जो कुछ तेरे पास है तन धन धाम स्वर्ग परिवार बहु बेटी वो सब लाके दर दे, छोड़ूंगा नहीं। उसका नाम रखा गया ओ सामा बिन लादेन। वो मर गया, स्थूल देह से मर गया या सूक्ष्म देह से मर गया? स्थूल देह से मरा है, सूक्ष्म देह से नहीं मरा। जब उसने शरीर छोड़ा था उस समय की ही बात है, ब्राह्मणों की दुनिया में ये देहभान छोड़ने की बात है। देहभान भी 100% एक साथ छूटता है या थोड़ा थोड़ा करके छूटता है? थोड़ा थोड़ा करके देहभान छूटता है। इकतीस मार्च को आखिरी अव्यक्तवाणी चलाई गई थी इस सीजन की, उसमें बता भी दिया है ये आखिरी अव्यक्तवाणी है, इसके बाद इस सीजन में दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन बंबई में छोटा सा विस्फोट हो गया ब्राह्मणों की दुनिया में, आठ छोटी छोटी बम्बियां फट पड़ी, उनका एडिंग था ब्रह्मा कुमारियां बताए नहीं तो हम बताएंगे। ब्राह्मणों की दुनिया में हलचल मच गई बेसिक में, उन आठ प्रश्नों आठ बातों में से किसी का जवाब नहीं निकला। बड़े छोटे पोस्टर छप गए चारों ओर तिराहों चौराहों पर, छपने लगे, लगाए जाने लगे, फाड़े जाने लगे, बात माउंट आबू तक पहुंची। दीदी दादी दादाओं में हड़कंप मचा, बाप दादा को 13 तारीख को आखिरी आना ही पड़ा। आ तो गए लेकिन क्या बाप दादा के पास, ब्रह्मा की सोल के पास उन प्रश्नों का जवाब भी मिला? उन आठ बातों का कोई जवाब मिला क्या? जवाब तो उनके पास भी कुछ नहीं। तो अहंकार टूटा या नहीं टूटा? गीता का भगवान कौन? नहीं टूटा, टूट गया। अहंकार टूटने की शुरुआत हो गई। अभी तो बड़े बड़े बांब फूटेंगे। तो समझ में आया वो सामा बिन लादेन कौन हुआ? अरे बलराम समझ में आ गया होगा तो ओसामा बिन लादेन भी समझ में आ गया होगा। बलराम समझ में आया कौन है? अरे बलराम का हथियार मालूम है? हल। हल क्या करता है? धरणी को चीरता है,
ज्ञान में धरणी किसको कहा जाता है? कन्या माताओं को ही धरणी कहा जाता है। वो धरणी को चीरने वाला है, सत्युग त्रेता में धरणी चीरी जाती है या सुरक्षित रखी जाती है? सुरक्षित रखी जाती है। धरणी पर पाप बढ़ते हैं द्वापर कलयुग में। ये पाप बढ़ाने के निमित्त तो कोई आत्मा है जो अपन को भगवान समझ करके बैठती है, भगवान समझने की शुरुआत करती है। शिवो अहम, ये अहंकार टूटना जरूरी है। तो पता चला वो सामो दिन लादिन कौन हुआ? नहीं जी, आवाज आ रही, बाप हुआ। अरे शिव के मंदिरों में धरणी भी दिखाई गई है और शिवलिंग भी दिखाया गया है। बैल दिखाया है या नहीं दिखाया है? बैल का मुंह किस तरफ है? है नाली की तरफ है। कहां की यादगार है? अरे ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया की यादगार है या बाहर की दुनिया की यादगार है? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया की यादगार है। राम वाली आत्मा तो शास्त्रों में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में गाई गई। सारी रामायण में राम की कहानी लिख दी है। बाबा कहते हैं ये वास्तव में भारत की कहानी है। भारत तो काई उसे जाता है जो भाव में रत अर्थात ज्ञान में रत रहने वाला है। नाम ही दिया हुआ नारायण। नार माने ज्ञान जल, रायन माने घर, जिसका ज्ञान में ही जल है, घर है। प्रभुतिमा का रूप उसका नाम दिखाया है विष्णु, जो विषय काल। बाबा इशारा भी देते हैं, मैं बैल में प्रवेश करूंगा क्या? जानवर में आऊंगा क्या? मन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्य में आऊंगा या जानवर में आऊंगा? मनुष्यों को पहले पति से पावन बनना है या जानवर पर पशु पक्षियों को बनना है? मुझे नौकरी पर जाना है, क्या मैं जा सकता हूं? जा सकते हो। बाबा जो बड़े का रिकार्ड नहीं रखते उनका पद कैसा होगा? अभी पता है कौन बड़ा है कौन छोटा है? है? पता है ज्ञान में चलने वालों को पता है कौन बड़ा है कौन छोटा है? पता है, है? क्या पता है? शिव बाबा की बात छोड़ो, जो ज्ञान में बड़ा है वो बड़ा ठहरा। ऐसे बड़ों का, ऐसे सबसे बच्चों का हमको रिगार्ड करना चाहिए। अगर ऐसे बड़े बच्चों का कोई रिगार्ड नहीं करता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा 63 जन्मों में? है
जैसे बाबा कहते हैं यहाँ जो सहन करता है उसका रिजल्ट क्या होगा, जो सहन करता है वो सहन कराने के निमित्त तो बनेगा। ऐसे ही जो रिगार्ड देता है वो रिगार्ड लेने के निमित्त तो बनेगा, और जो बड़ों को रिगार्ड नहीं देता है उसको वहां कोई रिगार्ड नहीं मिलेगा। जैसे दास दासियों को कोई रिगार्ड नहीं मिलता, दास दासी बनना पड़ेगा। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला और ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। बाबा ये बात किस समय की है और किस ब्रह्मा की, कौन से ब्रह्म विष्णु की बात है? सृष्टि के आदि का पहला पार्टधारी 100% पुरुषार्थी कौन? क्या कहेंगे? सृष्टि के आदि का पहला पुरुषार्थी कौन? अव्वल नंबर। अरे लक्ष्मी नारायण, जिन्हें लक्ष्मी नारायण को कहा जाता है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, अथवा विष्णु। सृष्टि की आदि किसके द्वारा होती है? प्रैक्टिकल में नई सृष्टि की आदि में कौन होता है? विष्णु। तो जो आदि में होगा वो अंत में होगा या नहीं होगा? आदि में विष्णु तो संत के संत में भी विष्णु, वो देवी देवता सनातन धर्म में प्राय लोक होता है, पूरा लोक नहीं होता। पारिवारिक व्यवस्था पूरी खलास नहीं होती। तो अंत में एक युगल जड़ा ऐसा भी बचता है जो विश्व स्वरूप है। नाम दिया हुआ नाम दिया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा अनेकों के नाम है, तो सभी ब्रह्मा नंबरवार होंगे या एक जैसे होंगे? नंबरवार ब्रह्मा होंगे। तो जो अव्वल नंबर के ब्रह्मा हैं, जो अव्वल नंबर में विष्णु बनते हैं, वो कौन सी आत्माएं हुई? अव्वल नंबर ब्रह्मा कौन और अव्वल नंबर विष्णु कौन? है? अरे जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, वही अव्वल नंबर ब्रह्मा और विष्णु। बुद्धि